गुड मॉर्निंग बच्चों। चलिए लाभ हानि का एक और प्रश्न हम देखते हैं। राम ने एक मोबाइल 1550 रुपए में खरीद कर 1470 रुपए में बेची, बताओ उसे कितना लाभ या हानि हुई। तो ठीक है, चलो प्रश्न को हल करने का प्रयास करते हैं। हल, सबसे पहली बात क्या दिया गया है यह हम देख लेते हैं। ठीक है, दिया गया है, क्या दिया गया है इसे जानने के लिए हम प्रश्न को बार बार पढ़ते हैं। राम ने एक मोबाइल 1550 रुपए में खरीद कर, कितने में खरीद कर, 1550, मतलब 1550 रुपए क्या है, खरीदने की कीमत, और खरीदने की कीमत को हम कहते हैं क्रय मूल्य। ठीक है, तो लिख लेते हैं मोबाइल का क्रय मूल्य। ठीक है, मोबाइल का क्रय मूल्य कितना है, 1550 रुपए। इसे आप सरल शब्दों में कह देंगे खरीदने की कीमत, खरीदने की कीमत। ठीक है, खरीदने की कीमत क्रय मूल्य कितना है, 1550 रुपया। और आगे पढ़ते हैं, 1470 रुपए में बेची। ठीक है, कितने में उसने बेच दिया, 1470 रुपए। तो बेचने की कीमत मतलब विक्रय मूल्य लिख लेते हैं, मोबाइल का विक्रय मूल्य कितना है, 1470 रुपए। विक्रय मूल्य को कहेंगे बेचने की कीमत। अब और आगे देखते हैं हम लोग, उसे कितना लाभ या हानि हुई। हमें अभी तक पता नहीं है कि उसे लाभ हुई या हानि, और अगर पता चले तो फिर हम आगे याद करेंगे वह कितने रुपए की। तो इन दोनों मूल्यों की हम तुलना करते हैं। ठीक है, और यहां से हमें पता चलेगा उसे लाभ हुई या हानि। तो देखिए, खरीदने की कीमत, खरीदा कितने में, 1550 रुपए में, और बेचा कितने में, 1470 रुपए। मतलब ज्यादा में वह खरीदा, 1500 ज्यादा है, और 1400 में उसने बेचा, मतलब ज्यादा में खरीदा और कम में बेचा। जब हम कोई चीज ज्यादा कीमत पर खरीदते हैं और उसे कम कीमत पर बेचते हैं तब हमें होती है क्या, हानि होती है, नुकसान उठाना पड़ता है। ठीक है, तो यहां हानि हो रही है, उसे शब्दों में लिख लेते हैं, क्योंकि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से अधिक है, खरीदने की कीमत जो है वह अधिक है, अतः क्या होगी, हानि होगी। पहली चीज तो हमें पता चली कि उसे हानि हो रही है, हानि हो रही है। ठीक है, अब वह कितने रुपए की यह भी हमें मालूम करना है। तो चलिए हानि को ज्ञात करते हैं। हानि, अब जैसे मैंने पहले भी बताया है, लाभ या हानि ज्ञात करने के लिए हमें घटाना की क्रिया करनी है। तो घटाना की क्रिया करनी है मतलब बड़ी कीमत में से हमें छोटी कीमत को घटाना है। अगर हम क्रय मूल्य इस 1550 में से 1470 घटा लेते हैं तो जो बीच का अंतर है वही हानि है, उससे हमें पता चलेगा कि कितने रुपए की हानि हो रही है। तो चलिए, बड़ी कीमत क्रय मूल्य ऋण विक्रय मूल्य, यही हमें करना होगा, ज्यादा में से कम को घटाना है, तो यह हमें हानि का सूत्र मिल जाएगा। ठीक है, हानि बराबर क्रय मूल्य ऋण विक्रय मूल्य, हानि की स्थिति में क्रय मूल्य खरीदने की कीमत अधिक होती है। ठीक है, अब
घटा लेते हैं 1550 रुपए ऋण 1470 रुपए घटा लीजिए, लिख लेते हैं यहाँ 1550 ऋण 1470 घटाइए शून्य, ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 4, ठीक है। तो 15 में से 7 गया 8 और शून्य और शून्य, तो कितने रुपए की हानि हो रही है उसे, 80 रुपए। लिख लेते हैं हानि बराबर 80 रुपए। अब जैसा प्रश्न वैसे उत्तर लिखते हैं, उत्तर उत्तर लिखने के लिए पढ़ते हैं प्रश्न, उसे कितना लाभ या हानि हुई, उसे किसे, राम को, तो लिख लेते हैं राम को कितने की जगह लिख लेते हैं 80 रुपए की हानि हुई, ये हमारा उत्तर होगा, ठीक है। उसे कितना लाभ या हानि हुई, तो राम को 80 रुपए की हानि हुई। तो हमेशा ध्यान रखिए, जहां हमें लाभ या हानि ज्ञात करना हो, मालूम करना हो, हमें वहां हमेशा घटाना की क्रिया करनी है, और जो बड़ी कीमत होगी, बड़ा मूल्य होगा, उसे छोटे मूल्य को हमें कम करना है, मतलब दोनों के बीच हमें अंतर ज्ञात करना है, वह अंतर ही लाभ या हानि होगा, ठीक। क्योंकि यहाँ पर खरीदने की कीमत अधिक है और बेचने की कीमत कम, इसलिए नुकसान उठाना पड़ेगा, स्वाभाविक सी बात है। जब कोई चीज हम ज्यादा कीमत पर खरीदते हैं और उसे कम कीमत पर बेचते हैं तो हमें नुकसान उठाना पड़ता है, उसी नुकसान को हम कहते हैं हानि। और उसे ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ता है, जो खरीदने की कीमत है उसमें हम बेचने की कीमत को घटा लेते हैं, वही अंतर ही हानि होगी, ठीक है। तो और भी ऐसे हम सवाल हल कर सकते हैं, ओके।